गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स लेके हम पहले स्टार्ट करेंगे. आज कुछ मैंने आपको कल लास्ट क्लास में दिए भी थे. हाँ, होमवर्क दिया था तो वो आप कर लेना, बट मैं कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहा हूँ. पहले वो कर लेते हैं तरीका. तो मैं आपको, हाँ अब बेटा क्या है ना कि अब हम मैकेनिज्म यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट वाला काम करेंगे. देखना है कैसे. जैसे हमने एक कंपाउंड ये लिया, देखना जरा सा इस टाइप का. हमने कहा कि यहाँ पर OH है, यहाँ पर SH है, यहाँ पर CN है, और फिर ये कंपाउंड मैंने यहाँ पर ऐसे लिया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O O C डबल बॉन्ड O, और मैंने इसमें डाला ये बेंजीन रिंग है. मैंने इसमें डाला X इक्विवेलेंट CH3MgBr. पहले इसका रिएक्शन सबके साथ कराएंगे और फाइनली लास्ट में हम क्या डालेंगे इसमें, H2OH+. पहला एग्जांपल मेरा ये है, ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं, अभी दूसरा देखते हैं. दूसरा एग्जांपल थोड़ा जगह बना के लेते हैं. दूसरा कुछ इसी टाइप का ही, लाइक ये है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है बेटा. यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इधर OH है, इधर OCH3 है, और नीचे जाकर देखो क्या है, O है, O है, यस, और okay. कुछ ये है, ध्यान दो बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. थर्ड मैंने लिया, देखो जरा सा कुछ ये बेंजीन रिंग है, सीरियल बॉन्ड ओ ओ, ये PHMGBr, HOH+. फोर्थ मैंने कुछ ये लिया, देखना करेंगे सब डायरेक्ट, लेकिन लास्ट क्लास में मैं आपको सब सिखा चुका हूं. एंड फाइव सपोज ये, और कुछ एग्जांपल्स के बाद और लेंगे, और उसके बाद फिर आज आगे बात करते हैं. चलो एक्चुअली में काम करते हैं, प्रोडक्ट ही बनाते हैं, प्रोडक्ट ही बना के देखते हैं बेटा. पहले रखो सबसे पहले, और पहले देखो उसी को क्या कैसे क्वेश्चन ही. अब जैसे इन सब में हमें एक्स का वैल्यू भी बताना है. किसका बताना है, एक्स का वैल्यू. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं जरा से इसको. इसमें अगर हम रिएक्शन कराएं, मैं प्रोडक्ट भी बना रहा हूं और डायरेक्ट दर ध्यान भी देना. क्या यहां पर वाटर डालने से पहले की बात कर रहा हूं, वाटर डालने से पहले की बात करूं, ध्यान देना. मैं बना रहा हूं यहां पे, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं पहले. बट एक चीज बताओ, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस. ध्यान से सीखो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, सिलेक्टेड एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं. देखो, और कल जो होमवर्क दिया था फिर आप खुद ही करके चेक कर लेना, चीजें वही है एक्चुअली में. बट बताओ क्या ये एक्टिव है या एसिडिक है, एक्टिव बोलो सीधे. ये भी क्या है बताओ, तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस. हालांकि आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो, बट फिर भी एक बार बना लेते हैं. तो क्या यहां पर ये प्लस यहां आ जाएगा, तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं ओ माइनस एम जी बी आर. एक बार आप प्रोसेस को थोड़ा देख लो, एस माइनस एम जी बी आर प्लस ये वाला, इतना दोनों तो एक्टिव वाला काम हो गया. इसका मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा कि दो मोल तो यूज हो गए. बाद में भले ही जब पानी आप डालोगे तो वापस यही आ जाएगा, याद है ना.
दिखाया भी था, सिखाया भी था। अब वो पहले ऊपर वाले ही कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे सीएन लगा हुआ है, क्या लगा बेटा? सीएन। तो सीएन वाला तरीका हम बताए थे, याद करो सीएन वाला। सीएन में हम लोगों ने, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, देखो क्या होगा। हाँ, पहले एक काम करते, रुक, वेट 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 वेट, सब करते हैं आराम से। इसको मैंने कहा था कि पहले इमीन बनेगा, इमीन बनेगा ये, तो सी एच एन एच बनेगा, फिर वहां से एक H2O अमोनिया निकाल देंगे तो ये बन जाएगा। और जब अमोनिया निकालोगे तो वहां पर कीटो ग्रुप आ जाता है ना। बट वो सब प्रोसेस करने के लिए हमें यहाँ पे H प्लस और OH माइनस का भी, वाटर और H प्लस का भी यूज करना पड़ेगा, करना पड़ता है क्योंकि। तो एक काम करते हैं ना, कीटोन तक का बना लेते हैं। सुनो क्या बनेगा, याद करो इसका, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे एक बार फिर से, जरा सा देखो। सी एन था बेटा, एक बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो माइनस, और क्या हुआ था बताओ जल्दी से। यहाँ पे NH और यहाँ पर CH3। हाँ, मतलब क्या लिखना था हमको, CH3 ये था। हाँ रुक जाओ, ये आया था। तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ बेटा, C के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, डबल बॉन्ड N MG BR आ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। आगे की बात भी आएगी अब जब हम वाटर की बात करेंगे वहाँ पे। तो पहले हम विदाउट वाटर की बात कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हो ना, ये बात समझ रहे हो। या हम चाहो तो एक काम कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी बना लें। क्या डायरेक्ट बनाया जाए, एकदम डायरेक्ट बनाया जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। देखो क्या, CN जब हमने लिया था तो इसने बनाया था, ये बॉन्ड टूट गया था और क्या आया था, CH, बताओ बेटा, डबल बॉन्ड NH। फिर हमने इसमें क्या डाला था बताओ, H2O, तो यहाँ से क्या निकल गया था, NH3, और क्या बन गया था, CH डबल बॉन्ड O। सुन ला तरीका, सुन ला, CN वाले पे थोड़ा ध्यान रखना है, ये आ गया था। अच्छा बेटा, जैसे CO आएगा ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो CH3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर CH3 MgBr के रिएक्शन अब कराएं, ध्यान दो, ध्यान दे लो, तो ये प्लस है और ये क्या है बेटा, माइनस। जैसे टूटे गया माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब बताओ इसमें क्या आएगा, यहाँ पर CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, CH3 प्लस है और ये माइनस आ जाएगा, और O माइनस MgBr बनाएगा, और फाइनली फिर ये OH हो जाएगा। ये हो रहा है, यानी लास्टली ये किसमें, अल्कोहल में ही तो कन्वर्ट हो रहा है, लास्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में। चेक दिस मैकेनिज्म, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो जरा सा। जब पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो MgBr आएगा, और फिर जब पानी डालोगे तो MgBr हट जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, OH, और फिर से क्या हो जाएगा, SH। इसका मतलब आप ये मत समझना कि जो जैसे पहले था वैसे ही है, बेटा रिएक्शन होके ये आया है। तो एक्चुअली में यहाँ पर एक मोल, एक इक्विवेलेंट यहाँ यूज हो चुका है और एक इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज हो चुका है, इतना समझ रहे हो। अब आगे बात करते हैं, CN में डायरेक्ट लिखा जाए तो CN में कुछ नहीं करना है, आप एक OH लगा लो पहले, क्या लगा लो, एक, और बाकी के कार्बन की जितनी भी वैलेंसी बच रही है, दो वैलेंसी बच रही है, उनको यहाँ से पूरा कर लो। तो यहाँ पे एक CH3 लगा दें, यहाँ पे एक CH3 लगा दें, कितना मोल यूज हो चुका है, कितना इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज हो चुका है, दो। क्या समझ में आ रही बात अभी, तो ये वाला काम देखो डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ये चीज़। तो अब आपको डायरेक्ट सीखना है भाई। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बताया ना सी और ओ के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो क्या ऐसे टूटेगा, क्या ऐसे टूटेगा, तो बताओ यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। सुनना डायरेक्ट करूंगा, तो ये ऐसे बॉन्ड है और ऐसे, सुनना। अब ये प्लस आया तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, CH3 लगेगा। सुनना डायरेक्ट देखना, एक काम करते हैं, सी ऐसे लिख लें, और यहाँ पे ओ को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, इस वाले ओ को, और एक क्या लग गया बताओ, CH3 डबल बॉन्ड था सपोज ये, फिर एक बार फिर क्या होगा बताओ, ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस में फिर क्या लग जाएगा एक, और ये ओ क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पक्का ना, एकदम बहुत सिंपल, एक लाइन, मतलब ज्यादा टाइम। सिमिलरली क्या यही वाला भी, इधर भी वही बन जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, सीधे लिख दें CH3, और यहाँ पे OH लिख दें, और यहाँ पर CH3। बट अभी काम, तो अभी कितना हो चुका है यहाँ पर बताओ, दो, एक एक, और यहाँ पर दो, और यहाँ पर भी दो। वेट, बट वेट, रुको अब देखते हैं, तो अभी 8 हो चुके हैं। लेकिन बेटा ये भी तो टूटा है, तो जब ये टूटा तो यहाँ माइनस आ चुका है, और माइनस आया तो MgBr आया होगा, और MgBr आया है तो हट के OH हो जाएगा। तो सुनना जरा इसमें क्या होने वाला है, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी OH और इधर भी OH, और आपको पता है कि जब दो OH होते हैं तो एक वाटर निकल जाता है, और ये फाइनली CO2 बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। क्या देखो ना, H2O निकलेगा, रुको रुको, वेट 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 वेट,
वेट वेट वेट, ये निकला ना CO2। अभी रुको, मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन को नॉर्मली मत लेना। अभी तक कितने इक्विवेलेंट यूज हो चुके हैं ये बताओ मुझे जरा, दो दो चार दो छः और दो आठ। अभी देखो जरा, हाँ वो रुको बिल्कुल। और उसके बाद जब आपने इसको ऐसे तोड़ा यहाँ पर, बोलो तो जब आपने इसको यहाँ पे तोड़ा था तो यहाँ प्लस आया था, यहाँ पे क्या आया था बताओ, माइनस आया था। तो यहाँ पर भी क्या लगा था बताओ, MgBr। यहाँ पर भी क्या लगा था, MgBr। और यहाँ पे क्या लगा था, CH3। तो उसी CH3, तो CH3 इधर लग गया था, MgBr इधर लग गया था। तो इसको काउंट अभी नहीं करें क्योंकि वो तो काउंट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। आप सुनना जरा ध्यान से, जब ये CO2 बनेगा, क्या बनेगा, CO2। तो ध्यान देना, अब ये क्या बन गया बताओ फाइनली, CO2। CO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कहा ना कि क्वेश्चन बड़ा बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ध्यान नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसके रिएक्शन में आपको अलग से सिखाऊंगा अभी। अब बताओ फिर से, अभी यहाँ पर CH3MgBr अवेलेबल है ना एक्स इक्विवेलेंट, बताओ बेटा इसको तोड़ो ऐसे, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आया प्लस, लगाओ जल्दी से। तो C डबल बॉन्ड O, और बताओ इस प्लस पे क्या लग जाएगा, CH3। ये प्लस है और ये माइनस है, ये CH3 लग गया और इधर O माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने मोल लग गए इसमें, कितने मोल लगे इसमें, कहाँ पे बेटा OH कहाँ पे लगेगा, रुको तो बेटा, CH3COH एसिड बन गया, ये क्या बन गया, ये एसिड भाई। यहाँ पर आपका क्या आया, ओ माइनस, बोलो ना, MgBr प्लस। फिर जैसे आप इसका HOH कराओगे और H प्लस कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH3 मैं लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और O, अब ये एसिड बन गया, क्या बन गया, ये एसिड बन गया। बोलो काउंट करो कितने यूज हुए, नो। और जब ये एसिड बन गया तो CH3MgBr है ना, अभी तो CH3MgBr इसके साथ फिर से रिएक्ट करके, बताओ ये क्या है, बताओ बेटा माइनस और ये क्या है प्लस, और ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, CH4 बना देगा और फिर से CH3COO-MgBr बनाएगा और वाटर डालोगे तो फिर से OH आ जाएगा। आ रहे बात समझ में, अब बताओ 10 तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। इट्स अल्टीमेट क्वेश्चन, नहीं टाइम नहीं लेगा, क्या करेगा बेटा, क्या फिर, क्या फिर नहीं करेगा, नहीं तो फिर से तो वही बन जाएगा ना, फिर अब क्या है, मतलब एक फाइनल स्टेप तक पहुंच गए, हाँ क्या आपने क्वेश्चन बेटा नोट कर लिए, एक हम क्वेश्चन पहले नोट करो जल्दी से, फिर हम बात करते हैं, फिर बात करते हैं, थोड़ा और जल्दी काम करेंगे इसका। हाँ सारे क्वेश्चन एक साथ नोट कर लो, सोल्यूशन छोड़ो जैसे क्वेश्चन नोट करो, पहला और ये शायद दूसरा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये क्वेश्चन नोट करो पहले आप, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जस्ट क्वेश्चन नोट करना है, सिर्फ ये इतना, पहला दूसरा तीसरा, मुझे स्पेस चाहिए एक्चुअली। आप क्वेश्चन नोट करो तो उसके बाद फिर मैं हटा हटा के, सोल्यूशन छोड़ो खुद करो, खुद करो। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग इधर पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, इसको सॉल्व कर, अभी तीन मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले मान लो ये है, ध्यान देना बेटा, है ना, CO O
और यहाँ पर सी ओ है और यहाँ पर ये है। इसके रिएक्शन किससे कराना है बेटा? क्या था वहाँ पे बताओ? पी एच एम जी बी आर, पी एच एम जी बी आर। पहले पी एच एम जी बी आर के साथ करा के देखते हैं क्या होता है। चलो मुझे बताओ एक चीज बेटा, आपको पहले से ही पता है बेटा, आप इसमें कुछ नहीं, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, कुछ नो प्रॉब्लम है सच। सी और ओ के बीच का बाउंड टूटेगा आपको पता ही है, तोड़ लो इसको, तो यहाँ माइनस आया यहाँ पर प्लस आया, और दे दो इसको, क्या दे बताओ? इस माइनस को बेटा क्या दें? एम जी बी आर। ये माइनस के पास प्लस वाला पार्ट चला जाएगा, इस प्लस वाले के पास कौन सा पार्ट चला जाएगा? माइनस वाला पार्ट चला जाएगा, देखते जाना है ना। तो हमने क्या बनाया जरा देखो, सेकेंड सी डबल बाउंड ओ हो गया, क्या यहाँ पर पी एच हो गया? बोलो। अच्छा यहाँ पर बेटा क्या हुआ? सी डबल बाउंड ओ और ओ माइनस एम जी बी आर प्लस, ये आया कि नहीं आया बोलो? अगर मैं आपसे बोलता कि यहां पर वन इक्विवेलेंट है, ये कितने इक्विवेलेंट है? वन इक्विवेलेंट है, सिर्फ वन इक्विवेलेंट है, कार्बन पर ऐसे टूटा ना, तो माइनस, तो माइनस पे एम जी बी आर आ गया। सुनो बेटा यहां पे देखो, तो अब इसका एक ही इक्विवेलेंट था, तो एक पी एच एम जी बी आर यूज कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसमें क्या डाला? एच ओ एच, एच प्लस। बेटा क्या करेगा बताओ? इसको हटा देगा, क्या बना देगा बताओ? यहां पर जरा सी डबल बॉन्ड ओ और ये पी एच, और बताओ यहां पर बेटा सी डबल बॉन्ड ओ और ओ, ये बन जाएगा। अगर यस फाइनल, कब कब? व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ सी एच थ्री एम जी बी आर और पी एच एम जी बी आर इज यूज। बताओ अब, पहले मुझे बताओ यहां पर कोई प्रॉब्लम किसी को? ये पक्का एकदम क्लियर है? अब देखो स्टेप बाय स्टेप, तो हमने इसको ऐसे तोड़ा, ध्यान दो बेटा, बेटा ध्यान दो यहाँ पे, ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, सिंपल सा। जहां पे माइनस आया वहां पे प्लस वाला पार्ट एम जी बी आर ये डाल दिया, और जहां पर प्लस आया बेटा वहां पे माइनस में पी एच लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया? एक ही इक्विवेलेंट लिया था, तो अब मैंने क्या किया कि जहां पर वाटर डाला, जहां पर एम जी बी आर, तो वो हट गया, यहाँ पर वो आ गया। बट तो ये यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है, यहां से यहां तक का, इसमें बेटा कितना इक्विवेलेंट पी एच एम जी बी आर यूज हुआ, इतना बताओ? वन इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सोचो कि अगर हम आगे और एक्सेस में लेते तो क्या होता, वो भी देख लो। तो सुनो अब, सुनो, तो अगर मैं अब आगे और लेता पी एच एम जी बी आर फिर से ले लेता, इस क्वेश्चन को हम लोग अब दूसरे पार्ट में करते हैं, अब एक्सेस वाला लेते हैं, फिर स्टार्ट से करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो बेटा इसमें जो एक्स लगा वो कितना लगा? वन। यहां से यहां तक के कन्वर्जन में एक्स कितना लगा? वन। अब समझो, मैं एक एक करके अब बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, आई थिंक इसमें अब दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है? पहले वाला कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था एक्चुअली में, नो प्रॉब्लम, बट एक बार सोल्यूशन बता दिया है आपको, दोबारा दैट ट्राई करोगे। अब हमने सपोज यही क्वेश्चन लिया फिर से, सेम सिमिलर क्वेश्चन, और मैंने कहा कि बेटा सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ है, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ है, और मैंने यहाँ पर लिया फिर से अगेन एक्स इक्विवेलेंट, बताओ क्या? पी एच एम जी बी आर, मतलब हमने इसको एक्सेस में ले लिया, किसमें? एक्सेस में, और दूसरा हमने यहाँ पर वही एच ओ एच और एच प्लस लिया। नाउ सी व्हाट हैपेंड, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप देखना ध्यान से, बताओ बेटा क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? मैं पहले इसमें क्या डालने जा रहा हूँ? पी एच एम जी बी आर, ये प्लस और ये माइनस, क्या? अब बेटा देखो, सब लोग साथ में ही कराओ, सब तो किया हुआ है, सब बाउंड्री तो तोड़ के ऐड करना है और थोड़ी कुछ करना है। यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, बताओ इस माइनस में क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ पर, देखो सुनना, सी ओ, और बेटा यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर प्लस पे क्या लग जाएगा? माइनस, ये माइनस यहाँ पे, और एम जी बी आर यहाँ पे, तो यहाँ पे पी एच आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस एम जी बी आर प्लस। ओके, अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं, अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं। अब हम फिर से इसका रिएक्शन किससे करा सकते हैं, है ना? हाँ, अगर आप वाटर डाल भी दोगे तो वाटर से क्या होगा कि OH बन जाएगा, आगे डाल सकते। चलो अच्छा, वाटर डाल के देख लेते हैं। तो हमने क्या कर रहा है यहाँ पर बताओ? C डबल बॉन्ड O, और बेटा यहाँ पर क्या बताओ? PH, और ये क्या बन जाएगा? ये एच ओ एच प्लस डाला यहाँ पे, तो बताओ यहाँ से क्या बन गया? सी ओ एच। क्या ये काम पूरा वही किया हमने? कितना पी एच एम जी बी आर लगा? एक। कितना लगा? एक। हाथ उठा दो कितने लोग यहाँ तक बात समझ में आ गई क्लियरली, पक्का ना एकदम? नाउ अब हम इसमें बेटा फिर से पी एच एम जी बी आर डालना चाहते हैं, ये प्लस और ये माइनस। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, तो बेटा बताओ यहां भी है, यहां भी है, और ये एक्सेस में हम लेके चल रहे हैं, किसमें लेके चल रहे हैं? एक्सेस में। तो क्या ये बॉन्ड टूट सकता है? सुनना, ये बॉन्ड टूटेगा यहां माइनस यहां प्लस, तो यहां पर तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक देगा, और यहां पर
एसिड बेस देगा, मैं सब लिख दे रहा हूं, एसिड और बेस देगा। एक बार आपका समझा रहेगा ना बेटा तो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम पता है कब क्या है, कि समझा नहीं रहेगा तब दिक्कत है एक्चुअली में। जैसे जेई मेन में क्वेश्चन अगर आएगा तो एक इक्विवेलेंट वाला आएगा, कितना आएगा एक इक्विवेलेंट, बट अगर फर्दर और एडवांस लेवल करेगा तो फिर एक्सेस में डालेगा। तो एक इक्विवेलेंट वाला तो आपको पता चल गया है कैसे करना है, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। बताओ बेटा क्या बनेगा जरा बताओ। अच्छा एक्सेस में डाल लिया आपने, ये लिया, बताओ यहाँ पर सी में क्या सी ए, हाँ डायरेक्ट लिखा जाए क्या OH हो गया और ये पी एच है, और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा पी एच, वेरी गुड। इसमें बताओ सी रोल बाउंड ओ और ओ एम जी बी आर होगा, और हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बताओ एच ओ एच एच प्लस करना है ना यहाँ पे, पी एच एम जी बी आर भी करना था और एच ओ एच दोनों कर देने एक साथ, तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ से, अगेन वही बन जाएगा बताओ। अब ये फर्दर आगे क्योंकि हमने ये बना दी, क्योंकि इसके आगे जाओगे तो फिर से वही बन जाएगा, ये वाला भी नहीं जाएगा हो तो क्या, फाइनली ये भी एसिडिक पार्ट है, ये भी एसिडिक पार्ट खत्म, क्लियर बात। कितना यूज हुआ जरा बताना मुझे, कितना यूज हुआ, एक यहां पे यूज हुआ और एक यहां पे यूज हुआ, तो x इक्वल टू कितना यूज हुआ यहां पर 2 यूज। बोलो 3 2 यूज हुआ, 3 कहां बेटा, 3 कहां बताओ, अरे यहां से यहां तक पहुंचे तो कितना लगा एक, फिर एक ही पीएच एमजी भी तो डाले आप। अच्छा एक एक यहां यूज हुआ और एक यहां यूज हुआ, 2 यूज हुआ, तो x इक्वल टू कितना यूज हुआ 3, यहां भी तो लगा इसका एक बार, एक वहां पे लगा, यस x इक्वल टू कितना आया 3 आया, नहीं समझे 3 कैसे आया, अरे भाई एक एसिड के साथ करने वाले के लिए अलग से यहां पे किया और एक इसके साथ किया, 2 यहां पे एक वहां पे 3 यूज हुआ। नोट करो जल्दी इसको, नोट करो थोड़ा सा बेटा, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, बट करना तो पड़ेगा ना क्लास में, करना तो पड़ेगा, इसलिए एक बार करो इसको। एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल किया हुआ है ना, तुरंत इसको तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो क्या किया था हमने इसमें, इसको मैं पहले एक बार और क्यों ले रहा हूं आपको समझाता हूं मैं अभी। ये प्लस और ये बेटा क्या माइनस, और दूसरा इसमें क्या है बताओ एच ओ एच एंड एच प्लस, ध्यान दो। अब जब मैं समझाऊ ना बेटा, तो अब देखो थोड़ा सा अगर आप साथ में जुड़ के करोगे ना तो फिर वो ज्यादा क्लियर रहेगा, तो बेटा कि ना मत नोट करो, फिर जल्दी से तुरंत नोट कर लिया करो, इतना जल्दी भी क्या है, ठीक है। क्या ये दोनों ऐसे टूट जाएंगे, डायरेक्ट सोचना है डायरेक्ट, ये ऐसे टूटा ये ऐसे टूटा, अच्छा जब ये एक ऐसे टूटा तो यहाँ प्लस आया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और जब ये और यहाँ पे माइनस आया, फिर जब ये ऐसे टूटा क्योंकि ये भी सी और ओ के बीच का बॉन्ड है, तो यहाँ पे बेटा माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, कितने प्लस आ गए, तो यहाँ पे कितने सी एस थ्री लग जाएंगे 2। सुनो डायरेक्ट माइंड में राकेश बेटा समझ, और क्या ये ओ माइनस और ओ माइनस में एम जी बी आर, एम जी बी आर लग जाएगा, और बाद में जब वाटर जाएगा तो एम जी बी आर हटके OH हो जाएगा, तो इसका क्या साइड प्रोडक्ट बना ये बताओ पहले मुझे, क्या ये बना था, सुनो क्लियर यहां तक, ये बन गया था। अब इसको जरा सोचो बेटा, जब इसको आपने दोनों को तोड़ा तो यहां माइनस यहां प्लस आया, यहां माइनस यहां प्लस आया, 2 प्लस आए तो 2 सी एस थ्री लग गए, तो ये बना क्या सी एस थ्री, इसको लिखते हैं देखो यार, सुनो 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 रुको वेट वेट मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ऐसे ऐसे लिखा मैंने, और यहां पे O लगा था ऊपर, सुनो सी एस थ्री लगा इस पर, एक सी एस थ्री लगा, ये दोनों सी एस थ्री लग गए, फिर ये टूटेगा ऐसे तो ऊपर माइनस आएगा, और जहां पे माइनस आएगा वो OH हो जाएगा, और फिर यहां प्लस आएगा तो एक सी एस थ्री और लग जाएगा। हाँ तो उठाओ ये जल्दबाजी में काम ऐसे करते हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन आपको घुमाएगा क्या पता है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ऑक्सीजन है यहां पे लगा हुआ है, ऑक्सीजन फैमिली में ही तो सल्फर भी आता है, तो अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कर दे तो आप अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप सोचोगे अब क्या करें हम, तो बड़ा गड़बड़ होगी कहानी भाई। चलो हम ये छोटा क्वेश्चन ये बनाते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास है पी एच एम जी बी आर,
वेरिएशंस क्यों डाल रहा हूँ कि आप कोई क्वेश्चन देखो तो आपको नया न लगे, नया न लगे। क्या क्या इसमें और इसमें, चलो एग्जैक्टली वही ले लेते हैं, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? अभी भी ये बॉन्ड टूटेगा? अरे बेटा ये भी तो ऑक्सीजन फैमिली से ही तो है, तो अभी भी ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप बताओ यहां पर क्या आएगा? माइनस। यहां पे क्या आएगा? माइनस। यहां पे कितने प्लस आ गए? दो। डायरेक्ट बना रहा हूं, कोई मैकेनिज्म नहीं। क्या आप इसका भी सीधे बना सकते हो? बताओ क्या बना? इसका साइड प्रोडक्ट बनाओ। OH OH हो जाएगा, ये OH OH नहीं हो जाएगा, OH और SH हो जाएगा। प्लस इसके पास कितने पीएच लग गए हैं बेटा? प्लीज इसके पास नहीं, अभी अभी कितने लगे हैं? दो प्लस आए, ये माइनस और ये प्लस, ये दो पीएच यहां लगेंगे। तो देखो ऐसे पीएच लिख लो, ऐसे सी और पीएच, और चूंकि हमें पता है कि बॉन्ड टूटेगा तो इसको ओ लिख लो। अब ये ओ क्या बना देगा? ऐसे तोड़ेगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ ओ एच हो जाएगा, और तोड़ेगा तो माइनस और एक प्लस और आ जाएगा, तो एक पीएच और आ जाएगा। ये प्रोटीन। तो कहने का मतलब कि आपको घबराना नहीं है कि अरे अच्छा ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन सल्फर आ गया तो क्या करें? अरे तो क्या करें, चीज वही है ना, वैसे ही है। तो अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, छोटा सा एकदम ये इस टाइप का, ये मैं आपको क्वेश्चंस की वैरायटी दिखा रहा हूँ एक्चुअली में। इस टाइप से चीजें जब आप करना शुरू करो सॉल्व, तो फिर आप बीच में फंसो नहीं कहीं पर भी। जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अब ये वाला आप देखना तुरंत कर दोगे, COCH3 मैंने ये दिया, और मैंने कहा कि भाई ये है पीएच, फिर से PHMGBr फर्स्ट और सेकेंड क्या है बेटा? HOH। अच्छा बेटा हम लोग यहाँ पर NH4Cl भी ले सकते थे, NH4Cl भी ले सकते थे, याद है ना? नहीं नहीं रुको रुको, देखो अब जरा सुनो सुनो, देखो आपका पेन रुकता ही नहीं बेटा, मतलब मानोगे नहीं है। आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे ये एग्जांपल पूछता हूँ, अगर मैं इसकी जगह पे ये लिखता OCH3 तो बताओ ये इस्टर था? नहीं नहीं, CH3 COOCH3 इस्टर है ये, और ये एसी डेरिवेटिव है। तो आपको नहीं पता था कि ये लिविंग ग्रुप होता है? नहीं याद आया? एक लिविंग ग्रुप था, फिर दो लिविंग ग्रुप वाले भी लिए थे, तो एक लिविंग ग्रुप वाला नहीं है। इसमें है क्या बेसिकली? इसमें हो क्या रहा है कि सीरियल बॉन्ड ओ है और CH3 है, और इधर ओ है, और इधर क्या रहा? सी आ रहा है। तो ये जो ग्रुप है यही तो लिविंग ग्रुप है ना बेटा? यहीं पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां पर ये रहे और सुनो, और यहां पर एस आ जाए और यहां पर सी आ जाए, तो ये ग्रुप भी क्या हो सकता है? जैसे कि ईस्टर है वैसे ये थायो ईस्टर हो जाएगा, सल्फर आ गया। जैसे ईस्टर है वैसे ये क्या हो जाएगा? थायो ईस्टर हो जाएगा। तो क्या ये लिविंग ग्रुप नहीं है? तो सल्फर के बाद कार्बन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, और इधर ये ग्रुप। अरे तो क्या घबराना, देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन और यहां पे क्या है? कार्बन। ऑक्सीजन और यहां पर क्या है? अरे तो ये है ना वही ईस्टर ग्रुप ही तो है, और ये कौन सा ग्रुप है? लिविंग ग्रुप है। भगा दो इसको, यस भगा इसको। तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस, एक लाइन में फिर से बनना चाहिए। क्या माइनस यहां पर आए वो लिख दे उसको तुरंत, यानी देखो सोचो कि ये साइड प्रोडक्ट भी बड़ा अच्छा बना, और जहां पर प्लस आया है वहां पे क्या लगाएं? पीएच। सुनना एक बार, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पीएच फिर सी फिर CH3, और ये टूटेगा ना ऐसे, तो यहां माइनस और यहां पर प्लस, तो ये OH हो जाएगा और एक पीएच और आ जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? सीधे सीधे तरीका। अब देखो, अब मैं लंबा नहीं लेके जा रहा हूं, अब एक ही लाइन में बता रहा हूं आपको। सिमिलरली क्या बेटा, कुछ बताओ कुछ। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, मतलब पीएच वाला। अब अगर इसी कंपाउंड में ऐसे लिख देता, मैं आपको समझा चुका हूं उधर, ये लिख देता, ये सब एग्जांपल आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? तुम्हारा आपको ये वाला दे दिया तो आप ये तो कर लोगे, अब इसमें अटक जाओगे। क्या लगता है इसमें कोई नया मैकेनिज्म लगेगा? क्या लगेगा? क्या ऐसी चीज तो वही मैंने दिखा दिया ना आपको उधर। तो आप बताओ, इसमें आपने CH3MGBr ले लिया, क्या लिया बेटा? CH3MGBr, और दूसरा मैंने लिया यहाँ पर क्या? HOH एंड, चलो बताओ क्या होगा? क्या ये लिविंग ग्रुप है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, क्या ये OC वाला भी लिविंग ग्रुप है, और क्या ये S और C वाला भी लिविंग ग्रुप है? कंपेयर फ्रॉम हियर, ओके। चलो तो अब इसको तोड़ दे फिर ऐसे, तो यहां पर प्लस आएगा और यहां पर क्या आएगा? माइनस। जहां पे माइनस आया बेटा उसने क्या बना दिया? SH बना दिया, मतलब MGBr आएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस होगा, हटेगा, और प्लस बेटा ये वाला फिर डायरेक्ट बन सकता है, ये माइनस और ये प्लस, ये यहां पे अटैक हो गया, तो देखो CH3 फिर से, और ये CO भी टूटेगा, तो मैंने ऐसे लिख रहा हूं CH3, तो
तो जब ये टूटा तो यहाँ माइनस आया तो OH हो गया, और फिर से एक प्लस आया तो एक सी एस थ्री यहाँ से और लग गया। हाँ थोड़ा तो बेटा कितने लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे पक्का बताओ एकदम, मतलब सीरियसली पक्का कंफर्म ना। चलो नोट करो उसको, ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा जरूर नोट कर लेना, ये वाला इसको देखो। यहाँ पे चाहो तो आप एक चीज और ऐसे करके लिख सकते हो, देखो पता है ऐसे सी एस थ्री एस सी ओ और क्या बेटा सी एस थ्री, कौन सा एस्टर है ये थायो एस्टर है। तो जब आप देखोगे तो इससे ये वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, और यहाँ से ये वाला, ये भी आपका कौन सा ग्रुप है बताओ, लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी, इनके बेसिस पे वो चीजें आपको आगे बढ़ जानी है। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ओके नोट डाउन जल्दी से करो नोट, फिर आप थोड़ा सा हिस्ट्री और केमिस्ट्री की बात करते हैं इसमें। अब क्या क्या देखो उस टाइम पर, अब मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं, एक बस ये लास्ट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वन इक्विवेलेंट पीएचएमजी बीआर और दूसरा है एच ओ एच एच प्लस। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, दो ऑप्शन दूंगा, दो में से कोई एक सही, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, एक ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, देखो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए और बी में कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ए और बी, बस दो ही ऑप्शन आपके सामने। दोनों गलत हैं, ओके एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको डबल बॉन्ड ओ और यहां पर इधर पीएच कर, रुको 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 रुको, ये वाला तो ठीक था, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर पीएच, ठीक है बेटा। अब बताओ ए या बी, ए ना, कितने लोग बोले ऑप्शन ए इज करेक्ट, कितने बोले ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी बी बी। सुनो मैं रिएक्शन कर रहा हूं इसको, ठीक है, ये क्यों दिया हूं जरा देखो, ठीक है। हमें यहां पे अटैक कराना है पीएचएमजी बीआर को, सुनो बेटा ये प्लस है और ये माइनस, मैं बता रहा हूं सुनो, तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो यहां प्लस आएगा, पीएच यहां अटैक करेगा। अब देखो है क्या, अगर ये सिमेट्रिकल होता तो चाहे हम इधर से तोड़ते चाहे हम इधर, एक ही बात थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम इसको ऐसे तोड़ सकते थे, हम इसको ऐसे तोड़ सकते थे, एकदम सिमेट्रिकल है। अब मैंने थोड़ा सा तो चेंज किया इसमें, चेंज क्या किया कि हमने यहाँ पर एक सी एस थ्री ग्रुप लगा दिया, सी एस थ्री बैलेंसी भी देखो अब चार हो रहा है ना, तो इसको एक काम करो, ये नहीं होगा फिर ऐसे, तभी तो हो पाएगा ना ये, ठीक है देख लो, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन लग पाता है अदरवाइज। अब अगर सोचो आप यहाँ पे बेटा यहाँ पर
कि अगर ये आप इसकी बात कर रहे हो कि यहाँ पे एक सी एस थ्री लगा हुआ है, तो क्या बेटा आप ये बताओ इधर से तोड़ेंगे और इधर से तोड़ेंगे तो दोनों में सिमेट्रिकल तो नहीं आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास अब ऑप्शन होना चाहिए कि हम किधर से तोड़े तो ज्यादा बेटर हो, ज्यादा सही आंसर आए। तो जब आप इधर तोड़ोगे तो पीएच यहाँ लगेगा के, जब इसको ऐसे तोड़ोगे तो प्लस यहाँ पे आएगा और ये माइनस वाला पीएच इधर लगेगा। सुनना जरा ध्यान से, बस इसके बाद ही जवाब है। अगर हम इसको यहां से तोड़ेंगे तो प्लस यहां पे आएगा, पीएच यहां लगेगा, बेंजीन रिंग सीएच थ्री बल्कि ग्रुप होता है और पीएच भी बड़ा ग्रुप होता है, दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा। तो ग्रिग्नोमेट्री एजेंट का जो अल्काइल पार्ट होता है वो जनरली वहां पे अटैक करता है जहां पर क्राउडिंग कम होता है। कितने लोगों ने यह बात सोची थी? सच अच्छा नहीं सोची थी, मैं बोल सोची थी। अब बताओ अगर मैं यहां से पैसा बेटा अगर इसको ऐसे तोड़ता तो यहां पे प्लस आता है, यहां पीएच लगता, क्राउडिंग था ना यहां पे, तो उतना आसानी से पीएच अटैक यहां पे नहीं कर रहा, तो किधर से तोड़े बताओ? तो इसको तोड़ा तो यहां माइनस आया, यहां पर क्या है बेटा? प्लस आया। अब सीधे बन सकता है, क्या बनेगा जरा देखो, इसको ऐसे रहने दें। अब देखो डायरेक्ट बना रहा हूं, ये ओ माइनस आया, एम जी बी आर लगेगा और हटेगा फिर ओ एच आ जाएगा। वेरी गुड, ओ एच आ जाएगा। और यहां पर बताओ पीएच आएगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक पीएच, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट पे यूज करना था। कौन सा है? ए आर बी। ये क्वेश्चन जे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या बेटा क्या क्या? तब भी वही होता, तब भी अल्काइल ग्रुप या फिर पीएच बल्कि ग्रुप, दो क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ रिपेल करेगा। हाँ हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो बताओ बेटा। ओके ओके हटा दिए सब, अब उसको नोट करो, हम आगे बात करें। जल्दी से कंप्लीट करो उसको, जल्दी से फिर आगे बात करते हैं। उसके बाद हिंट डालो, स्टीरियो केमिस्ट्री। हालांकि ये पार्ट कुछ बात पहले भी कर चुके हैं, अभी कंप्लीट बात करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री जीओसी भी लग रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री सारी चीजें। अब स्टीरियो केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, और पता है सारा कुछ बताया हुआ है, जस्ट एक बार कुछ बोलना है मुझे। स्टीरियो केमिस्ट्री रिवीजन बेटा कहां तक पहुंच गया आप लोगों का? क्या जीओसी कंप्लीट हो चुका है? कर लो ना बेटा, आप पैरेलल आ जाओ रिवाइज करके, यहाँ तक साथ साथ चलो, अब आगे बहुत जल्दी करो। तो ठीक है, सुनो ना मैंने अभी मेडिकल वाले बैच से इसके पहले मैंने मेडिकल वाले बैच से भी बात किया था, तो वो लोग रेडी हैं, उन लोगों को मैंने टाइम दिया है, तो कल तो फिर से क्लास है मेरी, तो कल के लिए नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी ना, जब उस क्लास तक मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ तक हूँ वहाँ तक आप रिवाइज करके पहुँचाओ। ये हो सकता है क्या? हो सकता है ये? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास मेरी संडे की होगी ना, तो फिर वहाँ तक पहुँच जाओगे कि नहीं पहुँच जाओगे? प्रॉमिस? हाथ उठा के प्रॉमिस करो, पक्का वाला प्रॉमिस चाहिए मुझे, है ना? नेक्स्ट संडे तक जहाँ तक मैं हूँ आपको रिवाइज करके प्रॉपरली बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के समरी बना के यहाँ तक पहुँच जाना है, क्योंकि बेटा फिर आगे और भी इन्जॉय करोगे, चीज़ें याद आती जाएंगी तुरंत, तब ज़्यादा मजा आएगा करने में। चलो अब आगे बात करते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। अब जरा देखना, अब आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ नया था नहीं है, सच सब कुछ वही था। मैं एग्जांपल के थ्रू ले जाऊंगा, उसके बाद मैं सीधे रिजल्ट लिखाऊंगा। देखो क्या हमने एक कंपाउंड लिया बेटा, देखो ये पहला एग्जांपल, फर्स्ट रिजल्ट। अभी हमारे पास है सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और बेटा यहाँ पर हमने लिया पी एच एम जी बी आर फर्स्ट, और सेकेंड हमने ये लिया क्या एच ओ एच एंड एच प्लस। पहला एग्जाम्पल यहाँ से, क्या इसके पास कोई भी कायरल सेंटर इनिशियली प्रेजेंट है? No. So, no chiral center initially.
आपको याद है ना बेटा इसका मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल बनता है पहले, और जो फ्री रेडिकल बनता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब कि प्लानर होता है। याद है स्टार्टिंग का मैकेनिज्म? नहीं है तो आप लेक्चर देख के एक बार या फिर रिवाइज करके देख लेना। तो होगा क्या मैं बताता हूँ आपको, कोई भी कायरल सिलेंडर यहाँ पे है पहले से? नहीं है, बस उतना जवाब देते जाना। अब क्या आप इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट बना के दिखा सकते हो मुझे? सीधे एकदम, बहुत जल्दी बन सकता है। ये प्लस है और बेटा ये क्या है? माइनस। सुनना, तो अब इसमें क्या हो गया, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, एक ही इक्विवेलेंट है। सीधे पीएच कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा, और जरा देखना क्या बनेगा, CH3। सी ऊपर वाला क्या बन जाएगा? माइनस है तो OH हो जाएगा, MgBr आएगा, फिर वाटर हटा देगा उसको, सीधे लिख रहा हूँ OH, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? पीएच, और ये आप बताओ क्या ये कायरल सेंटर है? चूंकि इसका बीच वाला जो इंटरमीडिएट बन रहा था, हम आपको पहले बताए थे, वो क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। तो आपको उसमें पता नहीं कि एक ऊपर से भी अटैक कर सकता है और एक नीचे से, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक में रिटेंशन हो सकता है और एक में इन्वर्जन हो सकता है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें, क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा? फिशर मान लो इसको, फिशर मान के चले अगर हम इसको, तो बताओ क्या होगा? पहला नंबर ये, सुना, पहला ये, दूसरा ये होगा, तीसरा, चौथा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्लॉक वाइज ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजेंटल है। तो अगर ये एक एस बना है तो कंफर्म कि दूसरा इसका पार्ट कौन सा बनेगा, तो इसमें पीएच ऊपर आ जाएगा और OH नीचे आ जाएगा, और ये भी एक कायरल सेंटर होगा। तो अगर ये एक R है तो दूसरा, ये वाला क्या था बेटा? S था ना, तो अगर ये S है तो ये क्या बन जाएगा? R। तो बेसिकली में यहाँ पे क्या मिला? पेयर ऑफ इनेंशियोमर। सुनो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, और ये क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर। हाँ थोड़ा ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या, हालांकि मैं बाद में लिखाऊंगा, कि इफ इन ए कंपाउंड देयर इज ए नो कायरल सेंटर इनिशियली प्रेजेंट एंड आफ्टर रिएक्शन विथ ग्रिग्नोट रिएजेंट वन कायरल सेंटर इज जनरेटेड, देन ऑलवेज पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स इज फॉर्म्ड और रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या बेटा? ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल दूं, सुनना। हमने कहा कि बेटा यहां पर CO है और यहां पर ये आपका यहां पर पीएच लगा हुआ है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर CO और यहां पर क्या लगा है? एक पीएच लगा हुआ है। क्या कोई कायरल सेंटर इसके पास है पहले से? नहीं है। कोई भी कायरल सेंटर इसके पास पहले से नहीं है। और मैंने यहां पर एक ग्रुप ऐसा ही लगा दिया, दो CH3। ये ऐसे, हाँ ये बेच से लगा हुआ, ये बेच से लगा हुआ, और ये मैंने दोनों ऐसे लगा दिए। बोलो, तो अगर आप दोनों ऐसे लगा दोगे तो क्या ये कायरल सेंटर बन जाएगा? Yes, पहले से कायरल सेंटर बन जाएगा, है ना? तो इसको अगर हम हटाएं तो बेटा अब बताओ इसके अंदर कहीं कायरल सेंटर है क्या? नहीं, बताओ जल्दी से, नहीं है। कहीं कोई कायरल सेंटर है क्या? नहीं है। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अरे भाई ये CH3, ये CH3 दो सेम ग्रुप है। कायरल सेंटर के लिए चारों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट चाहिए। तो क्या कह सकते हैं कि इनिशियली, चेक कर लेना, इनिशियली नो कायरल सेंटर। अगर ऐसा है और रिएक्शन के बाद अगर क्या बन जाए, तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो रिएक्शन कराते हैं इसका, हम इस बार PHMGBr से कराते हैं। ये वन इक्विवेलेंट ही बेटा ले रहा हूं मैं, सेकंड। अब तो छोटा छोटा पार्ट आ रहा है ना, आपको दिक्कत नहीं? बड़े पार्ट में भी नहीं होना चाहिए आपको? तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। बताओ बेटा इसको तोड़े ऐसे, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, सीधे लिखा जाए, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? ये बने, अब यहां पर OH होगा और ये क्या आएगा? पीएच आएगा। मैं लिख रहा हूं, देखो ऐसे लिख रहा हूं, ऐसा क्यों लिख रहा हूं जरा अभी बता देना तुरंत। अब इसलिए क्योंकि ये कौन सा सेंटर है? कायरल सेंटर नहीं है ये। अरे इसको ऐसे करो ना, आप इतना तो समझा करो बेटा, क्या ये कायरल सेंटर नहीं है? अरे ये दोनों अलग है, फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो CH2 मिला, एक स्टेप आगे बढ़े तो CH2 मिला, फिर एक स्टेप आगे बढ़े तो CH2 मिला, और यहाँ पर ये मिला, इसकी चारों वैलेंसी क्या है? अब ये गड़बड़ मत करो भाई, क्या ये कायरल सेंटर है? और अगर कायरल सेंटर जनरेट हो गया तो इसका मतलब आपको हमेशा क्या मिलता है?
पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स दो। तो अगर एक आर होगा तो दूसरा एस होगा, तो क्या मिला यहां पर बताओ, पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। क्या सिंगल कैरल सेंटर वाला काम हो गया? कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा, कोई डोंट वरी। आप सुनो सुनो, दूसरा एग्जांपल और उसके बाद समरी, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री भी खत्म, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री भी खत्म, बस दो ही चीजें बतानी है आपको। मान लो इफ कंपाउंड हैज, नहीं मैं एग्जांपल पहले, दूसरा एग्जांपल, CH3 है, H है, PH है, C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर है सपोज CH3, C2H5 है, C2H5। अब बेटा हमें इसका रिएक्शन कराना है PHMGBr से और HOHH+ से। क्या बेटा इसमें क्या पहले से कोई कैरल सेंटर है? Yes, पहले से कोई कैरल सेंटर है? क्या ये कैरल सेंटर है? सुनना, एंड नाउ द रिजल्ट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आप इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा जल्दी से निकाल के बताओ क्या होगा? आर पक्का? अच्छा बताओ इसमें वन कौन है बेटा? यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये तो फोर है, और यहाँ पर सी सी सी, यहाँ पे एच 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 है, यहाँ पे सी 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 है, और यहाँ पर ओ ओ सी है, तो ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। गजब भाई से देखते ही बता दिया भाई, तालियां हो जाए एक बार जय के लिए भाई। बस 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 सुनाओ, नाउ दिस इज आर, सुनो अब देखो, इनिशियली कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, और आप देखते हैं उसके बाद क्या होगा जब रिएक्शन होगा। कराया जाए, इसको तोड़ा मैंने, ये माइनस और ये प्लस, बोलो बताओ बेटा ये क्या बन जाएगा? अच्छा क्या इसमें कोई डिस्टर्बेंस आया? या तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा बेटा, आगे यहां तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये तो वैसे तो ऐसे ही रहेगा। क्या रहेगा बताओ? ये CH3, और बेटा ये क्या रहेगा? H, और ये क्या रहेगा? PH, एंड व्हाट अबाउट दिस आगे का, जरा देखो तो एक तो OH होगा। अच्छा एक काम करें, चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो कि ये तो भाई आपका C2H5 लगा ही लगा है। अब चूंकि अब आप देखोगे तो एक तो इसमें OH होगा और एक PH आएगा, क्या ये कायरल सेंटर ये भी बन गया? अच्छा ये तो फिक्स था कि ये R है, सुनना ये तो फिक्स था कि ये, ध्यान दो मैं इसको ऐसे ना लिख के, OH और PH, सुनो प्लस एक और लिखूंगा मैं इसमें CH3 H PH। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप उस बात पे जाओ जरा सा, PH OH और यहां पर C2H5, ये बेटा R है, एंड लिट दिस इज एस लिट, अब जो भी हो निकाल लेना आप। तो अगर ये आर एस, अच्छा बेटा एक चीज बताओ, आपको बताया था ना मैंने, अगर वेज डैश हो जाए और डैश वेज हो जाए तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, और वैसे भी अगर ये ऑड इंटरचेंज हो रहा है, ये इधर आ रहा है ये इधर जा रहा है, देखो ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब ऑड इंटरचेंज होता है तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। सो इफ दिस इज एस दिस इज, तो ये देखो आर है और ये क्या है आर, तो बताओ यहां से बेटा आर एस से ये आर आर बन जा रहा है, What will form? Pair of diastereomers. यहां से हमको क्या मिला? Pair of diastereomers. कुछ समझ में आ रही कहानी? पूरा आइसोमेरिज्म ही तो देख लो, क्या रिजल्ट आए उसको लिखा जाए भाई, यहां लिख रहा हूं मैं, चलो आओ इधर साइड आ जाओ और देखो अब इसका रिजल्ट लिखा जाए। पहला रिजल्ट, फर्स्ट इफ इनिशियली, सुनते जाना, नो कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। अब ये फाइनल मूल मंत्र है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के लिए खत्म कहानी, स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट इज ओवर ऑल्सो, स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट इतना ही था, आप आराम से कर सकते हो। इफ इनिशियली नो कायरल सेंटर इज प्रेजेंट बट आफ्टर रिएक्शन विथ, बोलो बेटा GR, विथ GR न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड, इज जनरेटेड, देन ऑलवेज, बोलो बेटा पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स इज फॉर्म्ड,
Racemization takes place. What will be the second one? बोलो सेकंड लिखाओ ना. सेकंड क्या हो सकता है बेटा हिमांशु? बोलो बेटा सेकंड क्या हो सकता है? इफ इफ इनिशियली ऑलरेडी वन कैरल सेंटर या वन या फिर वन से ज्यादा वो तो फिक्स ही रहेंगे जो भी रहेंगे. ऑलरेडी इफ इनिशियली ऑलरेडी कैरल सेंटर इज प्रेजेंट. कैरल सेंटर इज प्रेजेंट. सुन लो बात को. एंड आफ्टर बोलो आफ्टर रिएक्शन विथ जी आर न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड. न्यू कायरल सेंटर इज जनरेटेड. बताओगे क्या होगा? देन व्हाट विल हैपन? पेयर ऑफ डाई स्टीरियोमर्स इज फॉर्म्ड. कहानी क्लियर है बेटा? यही दो लाइन है आपके सामने. एग्जांपल्स भी हैं और ये कॉन्सेप्ट भी है. सिंपल स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ग्रिग्नोट रिएजेंट. कहानी क्लियर है एकदम? आप कोई भी एग्जांपल दिया है फटाफट बता सकते हो कि इसमें रेसमाइजेशन होगा या इसमें पेयर ऑफ इनशियोर बनेगा या कुछ नहीं होगा. पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जब कभी भी रिएक्शन हो तो कैरल सेंटर जनरेट ही हो. तो जब जनरेट नहीं होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा. और अगर जनरेट हो गया तो मिनिमम दो तो बन नहीं बने. तो ये पूछा जाएगा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वन और टू. ठीक है? यस. चलो नोट डाउन. बस बेटा एंड पोजीशन पे पहुंचे. एंड पोजीशन पे पहुंचे. नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ जी आर. ऑब्वियसली बताए टेल का मतलब पूछ ही होता है. जीआर की पूंछ क्या होता है देखते हैं. कुछ एग्जांपल्स पहले करना चाहेंगे हम लोग. जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया वहां से डिस्कस करेंगे क्या होता है. जैसे कि सपोज सुनना बेटा. एक्चुअली में टेल ऑफ जीआर में हम बेसिकली जब बात करते हैं ना प्रिपरेशन ऑफ जीआर. किसकी बात करते हैं बेटा? प्रिपरेशन ऑफ जीआर. तो याद करो हम लोग इसका रिएक्शन किससे कराते थे? मैग्नीशियम और ड्राई इथर. मैग्नीशियम तो आपको पता ही है, उसी के बेसिस में आपको समझाएंगे. देखो क्या है उसके बाद फिर आपको ट्रिक बता देंगे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होना है, वो सब पता चल जाएगा. तो बताओ ना ये मैग्नीशियम बेटा ये जो ये RX ही तो है. MBR के पहले मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता था, यहाँ घुस जाता था जाके ले जाओ. Which? हमारा एम क्या है? एक्चुअली अवर एम इज टू प्रिपेयर ग्रिग्नोट रिएजेंट. याद करो ये वाला रिएक्शन याद करो. RX, MG और क्या बेटा? ड्राई. एकदम स्टार्टिंग का रिएक्शन है. तो RMGX बनता था कि नहीं बनता था? हमने कहा कि हमारे पास है CH3, CH2, BR और हमने इसमें क्या डाला? MG, ड्राई था. देखिए बेटा बहुत सिंपल पार्ट है. एक यहाँ आप आ गया, यहाँ आ जाओ. चलो दिखेगा साइड में आएगा. आ जाओ जल्दी 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 फास्ट. सीन से लिए आप ध्यान से पार्टी. क्या मैं इस MG को बीच में डाल सकता हूँ? ये तो कह रहे थे मैकेनिज्म में पूरा बता चुका हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ. तो CH3, CH2 और क्या बन जाएगा ये? MGBR. ये फिर प्लस और ये माइनस अपना आगे चल रहा था. तो ये काम यहां भी होना चाहिए. अच्छा ये जो ग्रिग्नोट रिएजेंट है RMGX बेटा ये OMC है ना? व्हाट इज OMC? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. एंड स्टार्टिंग में पहले क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड?
सो ओएमसी इज मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए. कार्बन और मेटल अगर डायरेक्टली अटैच्ड हैं, सो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ओएमसी. और ओएमसी का ही पार्ट है जीआर. तो जीआर भी बेसिकली क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. यानी जीआर में भी क्या होना चाहिए? कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए. और है भी, अगर हम आरएमजीएक्स की बात करें, देखो हम आपको, तो आप देखो कि आर है और फिर क्या है एमजी और उसके नेक्स्ट, तो इसके बीच में ये क्या है बेटा बताओ? कार्बन. और ये क्या है बताओ? मेटल. सो मेटल और कार्बन के बीच में है ना डायरेक्ट बॉन्डिंग. क्यों मैं टेल ऑफ जीआर की बात कर रहा हूं? ऐसे क्वेश्चन में 100% आप गलत करके आने वाले हो. जिसको टेल ऑफ जीआर नहीं पता, श्योर गारंटीड है गलत होने वाला है. आप यही करोगे, आपको सी एच टू और बी आर दिख जाएगा, एमजी घुसा दोगे आप, फिर आगे का रिएक्शन कम फॉरवर्ड कर दोगे. अभी देखो ना, इस पर मैं थोड़ा सा लंबा लेके जाऊंगा इस चीज़ को, बट समझना जरा बात को, आगे के रिएक्शन में कैसे क्या क्या हो सकता है. यानी कि बेटा अगर हम करने क्या जा रहे हैं, जीआर को बनाने जा रहे हैं. मैंने जब प्रिपरेशन ऑफ जीआर आपको बताया था, तो मैंने ये चीज़ वहाँ पर डिस्कस नहीं की थी. थोड़ा सा टाइम चाहिए था मुझे कि कुछ और चीज़ें आपको समझा लें पहले. अब हम डिस्कस कर सकते हैं टेल ऑफ जीआर बेसिकली क्या होता है. तो इतना समझ लो कि जीआर अगर आपको बनाना है, तो कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट क्या होना चाहिए? बॉन्डिंग. अगर ऐसा है तभी वो जीआर होगा या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा. अदरवाइज वो ना तो जीआर होगा और ना ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होगा. एग्रीड ना? ये तो पहले पता है हम लोगों को. अब देखो क्या होगा इस कंपाउंड में आते हैं, ठीक है? तो ये मैंने कुछ चीजें बताई आपको पहले से. अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं, तो देखो बेटा यहाँ पे एमजी घुसा दें, तो देखो CH2 और बेटा क्या हो गया बताओ? MgBr. आगे MgBr. अच्छा बेटा बताओ, ये प्लस और ये माइनस. सुनना जरा क्या कहना चाह रहा हूं आपको. और ये इधर OH है, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है? सुनो, और ये जो माइनस वाला पार्ट है, आयर माइनस है कि नहीं है? आर माइनस दो काम करता था, एक बेस का और एक न्यूक्लियोफाइल का. सुनना, तो हमको लग रहा था कि बन गया जीआर. हमको लग रहा था कि जीआर बन गया. मेरे बात को पकड़ने की कोशिश करना, मैं अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहा हूं. अगर हम यहां पे रोक दें आपको और सीधे बोलें क्या जीआर बन गया, आप बोलोगे हां बन गया भाई, ये आर एम जी एक्स बन गया. बट ऐसा हुआ नहीं, जीआर बना ही नहीं. उसकी जो पूंछ थी उसने गड़बड़ कर दिया. अब सुनो, वो पूछ क्या कर रही है एक्चुअली. अब ये बताओ ना बेटा, ये कार्बन पे माइनस चार्ज है, क्या ये बेस का काम करेगा? क्या ये बेस का काम करेगा? क्या ये एसिड है? तुरंत ये H प्लस जाके यहां अटैक कर जाएगा. बोलो, नहीं समझो बताओ मुझे. अरे ये H प्लस है, ये एसिड है. क्या है बताओ? ये एसिड है. और बेटा ये आपको पता है ना कि ये जो R माइनस होता है वो बेस का काम भी करता है और न्यूक्लियोफाइल का. और लेकिन जब एसिड दिख जाता है तो किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल. तो ये सॉरी बेस का, ये बेस का काम करेगा कि नहीं करेगा? और अगर ये बेस है तो बेस के पास क्या जाएगा? एसिड. और एसिड का मतलब H प्लस. तो इसका मतलब बेटा ये H प्लस टूट के इधर घुस जाएगा और ये माइनस के पास ये Mg से. कहानी है कुछ, कहानी है इसमें कुछ. ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अल्टीमेटली. तो आप जरा बताओ कि इसके पास बेटा क्या आ गया? O के पास O माइनस. और बताओ क्या आ गया इसके पास? MgBr. और जरा आगे देखो, CH2 और CH2 था और एक हाइड्रोजन आया, तो क्या बन गया? ये CH3. नाउ दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड. इज इट जीआर? क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? क्या ये गिग्नोट रिएजेंट है? व्हाट इज गिग्नोट रिएजेंट? एमजी होना चाहिए, मतलब मेटल होना चाहिए. मतलब गिग्नोट रिएजेंट की बेसिकली बात करें तो एमजी होना चाहिए और वो कार्बन से अटैच होना चाहिए. एमजी है, वो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से. दिस इज नॉट जीआर एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ जीआर. व्हाट इज कॉल्ड टेल ऑफ जीआर? मतलब जीआर बनना नहीं था, लेकिन टेल में लग रहा कि जीआर जैसा कुछ बना है, बट वो जीआर है नहीं एक्चुअली में. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. पता है, हम आपको छोटा सा केस अगर ऐसा दे दें, सुनो बेटा, हम आपको बोल दें, लेकिन आप रिएक्शन भी करवा डालोगे. मैं सच बता रहा हूँ, रिएक्शन भी करवा डालोगे. क्या? ध्यान देना, हमने आपको कहा यहाँ पर, मैंने कहा आपको यहाँ पर, जरा देखना, एक मैं आपको एग्जांपल भी करा के देता हूँ. CH3 CH2 CH2, और हमने कहा कि यहाँ पर है Br. सुनना बेटा, ये है, ठीक है, Br.
अब देखना मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, Mg ड्राई ईथर, ए बनाया इसने, फिर ए ने, सुनो, फिर ए ने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया और फिर H2O और H+ के साथ और कुछ B बनाया। हमको A और B आइडेंटिफाई करना है, सुनना। तो अगर हम सब कुछ भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, टेल ऑफ GRBR क्या होता है, तो अब क्या करो, इस Mg को यहां घुसा दोगे, SH CH2 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 Mg Br आ गया। ये आई थिंक दिस इज ए, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट, जब हमें नहीं पता है कुछ भी तो हम यही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आप बताओ मुझे। ये बनाया और हमको पता है कि बेटा ये प्लस है और ये माइनस, अब इसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड का, तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे, यहाँ माइनस लाओगे, यहाँ प्लस लाओगे, और बताओ प्लस माइनस को सब्स्टिट्यूट करते हो कि नहीं करते हो, तो बताओ बेटा इस माइनस पे क्या डालोगे, एम जी बी आर, सुनना, एच सी, और ओ माइनस को आप क्या कर दोगे, बताओ, बोलो, एम जी बी आर प्लस, और ये एच इधर है, और इस प्लस पे क्या डालोगे, ये माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, सी एच टू, ये पूरा ग्रुप CH2 और क्या बेटा बताओ, SH, और उसके बाद आप इसमें पानी डालोगे, और जैसे आप इसमें पानी डालोगे, सुनना, OH हो जाएगा, यस वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा, HC, और यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पर CH2 तीन CH2 है ना, CH2 SH, दिस विल बी द प्रोडक्ट एंड दिस विल बी वी and that is तो अब बेटा सोचो कि पता चला कि ग्रीवांट ये दिन पढ़ लिया, खत्म हो गया, अब तो लगा रही सारे क्वेश्चंस बना लेंगे, सब हो जाएगा, है ना, ऑप्शन में जरूर दिया जाएगा पहले ही, अच्छा ये सोचते, अच्छा ये एम जी डाला यहाँ, अच्छा एम जी प्लस माइनस, अरे ये तो सर ने बताया था, तुरंत देखते ही बन जाएगा, सीधे आप यहाँ क्या करोगे, उसको OH बनाओगे और सीधे इसका माइनस पार्ट यहाँ लंबा जोड़ दोगे, हो गया, मजा आ गया, तो मजा क्या तो मजा क्या है, एक्चुअली में मजा खराब हो गई, पूरा का पूरा कंपाउंड ही गड़बड़ हो गया, बात समझ रहे हो, तो एक्चुअली में बेटा नहीं, क्या टेल ऑफ जीआर का मतलब समझ रहे हो, क्या टेल ऑफ जीआर का मतलब समझ रहे हो, पहला एग्जांपल मैंने आपको वो दिखाया, रुको अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो, मैंने कंपाउंड अब ये लिया, देखो जरा, मैंने कहा कि बेटा यहां पर ये कंपाउंड है, यहां पर नाइट्रोजन लगा है और यहां पर एच लगा है, ठीक, यहां पर मैंने बीआर लगा दिया, क्या कुछ लग रहा है कि टेल ऑफ जीआर का केस बनेगा, थोड़ा पहचानना अगर सीख गए हो आप, थोड़ा सा अगर पहले एग्जांपल से कुछ नजर आया हो आपको, तो क्या टेल ऑफ जीआर का कुछ चांस बन रहा है, अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने यहाँ पर एमजी टाई इथर बेटा डाल दिया है, तो आप यहाँ घुसा दो उसको, नहीं घुसा दो, पहले तो डाल ही दो, आप एन और यहाँ पर एच, और ये हो गया बेटा एमजी बीआर, बट नो प्रॉब्लम, ये प्लस और ये माइनस, फिर से जरा देखो, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है, क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो बेटा ये किसका काम करेगा, तो ये किसका काम करेगा, एसिड का, तो ये प्लस और ये माइनस, बताओ क्या होगा, तो अगर ये बेस का काम करेगा तो एच प्लस उठ के यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो एम जी बी आर यहाँ आ जाएगा, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, गुड, तो क्या प्रोडक्ट बनाए, क्या बना प्रोडक्ट बताओ जरा, तो यहाँ पर एन बोलो, और क्या यहीं पर एम जी बी आर चिपक जाएगा, इससे माइनस और प्लस ये बन गया, और यहां पे क्या हुआ जरा देखो, माइनस के पास क्या आ गया, एक इज इट ग्रिग्नॉट रिएजेंट, क्या होता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट, एमजी कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, एमजी किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है, कहानी समझ में आ रही है, पक्का टेल ऑफ जीआर क्या है समझ रहे हो, अब इसका टेक्निक भी बता दूंगा कहां कहां पे टेल ऑफ जीआर आएगा सीधे, लेकिन इतना समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं बेटा कि कहीं पर भी आपको सी और बी आर या सी एक्स दिख जाए तो सीधे उसको तोड़ो, बीच में एम जी लगा के आगे बढ़ जाओ, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेल ऑफ जी आर। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, इस पर ध्यान दे रहा हूँ अभी, इसकी वो प्रॉपर एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बेटा कहा कि इपॉक्साइड है, क्या बताओ ये
ये CH2 है और बेटा ये CH2Br है यहाँ पे। इपोक्साइडोक्सीजन बोलते हैं, साइक्लिक इथर है ये, साइक्लिक इथर। इसका भी रिएक्शन है बाकी, तो अब मैंने Mg ड्राई इथर फिर से लिया यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। Mg डाल दो यहाँ पे, डाला मैंने Mg यहाँ पे, तो ये CH2 और बेटा ये CH2 और यहाँ पर क्या आ गया MgBr प्लस और ये माइनस। लेकिन अब देखो क्या होगा, एक्चुअली में होने क्या वाला है कि बता रहा हूं बेटा, यहां पर CH2 सीधे ऐसे है, ठीक है, ऐसे सपोज ये साइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन है, ऐसे टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? यहां माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, सुनना, तो लग रहा था कि डिनोटेशन बन गया, काम चल जाएगा, बट जरा देखो हुआ क्या, ध्यान देना बेटा, क्या ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड खत्म हो चुका है, ये प्लस और ये माइनस एक बॉन्ड बना देगा, ये प्लस और माइनस एक बॉन्ड बना देगा, और यहां पर माइनस है तो यहां पर MgBr शिफ्ट कर जाएगा। सुनो क्या बनेगा जरा ये ध्यान से, तो यहां पर क्या बेटा OMgBr हो गया, बताओ, और आगे क्या हुआ जरा देखो, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड CH2 प्लस माइनस एक बॉन्ड, क्या है ये, व्हाट इज दिस, टेल ऑफ जियर, क्या ग्रिग्नोटियन बना, मतलब हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि बना लें क्या, बट वो नहीं बन पा रहा है, तो जहां जहां नहीं बन पा रहा उसी को हम क्या बोलते हैं, टेल ऑफ जियर। कभी सीधी नहीं, कहां कहां पे एग्जांपल लिया मैंने, एक तो मैंने इपॉक्साइड का एग्जांपल लिया, एसिडिक हाइड्रोजन वाला एक्टिव हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, लिया कि नहीं बेटा, यहां पर भी एक्टिव हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल हम आप बेटा थोड़ा सा इतना जल्दी से नोट करके दिखा सकते, इतना पार्ट जल्दी तेजी से, इतना पार्ट बहुत तेजी से, मतलब एक मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट स्पीड। टेल ऑफ जीआर कितने लोगों को समझ में आ रहा है, सही से बताओ हाथ उठा के, क्लियर है ना एकदम, टेल ऑफ जीआर ग्रिग्नोट रिएजेंट की, आलम ने कॉपी किया, अरे अभी तो मैंने आपको बताया ना कि कहां पर ग्रिग्नोटियन बनाना चाहोगे और नहीं बनेगा, तो बेटा वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, कहां कहां पर नहीं हो सकता है, तो उसका आप बताऊंगा ना कि वो एग्जैक्ट अब कहां कहां पे हो सकता है।